नारेबाजी हो रही है। नारेबाजी के बीच नेताजी मंच पर दंडवत बैठे हैं, पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठे हैं। दंडवत प्रणाम के बाद बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव सिंधिया का पैर छूते हैं, फिर सिंधिया से बातचीत करते हैं। उपचुनाव के मद्देनजर जसवंत जाटव के दंडवत प्रणाम को सियासी ड्रामा बताया जा रहा है। 15 महीने के कार्यकाल में जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो आप मुझे माफ करेंगे। मैं तो महाराज साहब का अनुयायी हूँ, महाराज साहब का सच्चा सिपाही हूँ। शिवपुरी की करेरा विधानसभा से जसवंत जाटव बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जाटव ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं। एमपी में उपचुनाव के मद्देनजर नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। तस्वीरें देखिए, ये हैं राकेश पाटीदार। राकेश एक घर में गोबर का लेपन कर रहे हैं, उनके साथ कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन नेताजी अकेले घर पर गोबर का लेपन कर रहे हैं। राकेश पाटीदार का ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। मंदसौर के सुवासरा से राकेश पाटीदार कांग्रेस प्रत्याशी हैं। राकेश पाटीदार लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, ऐसे में गोबर लीपने से राकेश पाटीदार को कितना फायदा होता है ये नतीजों से पता चलेगा। तस्वीरें सागर की हैं। कांग्रेस उम्मीदवार पारुल साहू कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पहुंची हैं। यहां वो किचन में हैं, जहां पूरियां तली जा रही हैं। पारुल साहू ने खाना बनाने में मदद की, फिर परिवार के साथ भोजन भी किया। सागर के जैसी नगर से पारुल उम्मीदवार हैं। पारुल साहू लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, साथ ही कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील भी कर रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पर भोजन करने का मकसद कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ाने से जोड़कर देखा जा रहा है। तस्वीरें ग्वालियर की हैं। कंप्यूटर बाबा कबड्डी खेल रहे हैं, साथ में साधु संत भी हैं। सियासत में दखल रखने वाले कंप्यूटर बाबा लोकतंत्र बचाओ यात्रा लेकर ग्वालियर पहुंचे हैं। कबड्डी खेलने के जरिए बाबा ने सिंधिया को चुनाव में सबक सिखाने का दावा भी किया। ग्वालियर चंबल संभाग पर सबकी नजरें टिकी हैं, यहां 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बाबा ने ये यात्रा निकाली है। हालांकि यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये नतीजे आने के बाद साफ हो पाएगा। काले कौवे से डरियो, काला कौवा ज्योतिरादित्य सिंधिया है। शिवपुरी के बैराड़ में बीजेपी उम्मीदवार के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार किया। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सिंधिया ने कांग्रेस को झूठ का पुलिंदा करार दिया। झूठ बोले और दूसरी बात की जाती है कि अगर बचपन में कोई गलती हुई। एमपी में उपचुनाव की जंग में आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में जुबानी जंग और तेज हो सकती है। काले कौवे से डरियो, काला कौवा ज्योतिरादित्य सिंधिया है। कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के शांत उद्योगपति हैं, शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं। उपचुनाव के रण में जुबानी जंग तेज हो गई है। दिनेश गुर्जर का विवादित बयान सामने आया है। दिनेश गुर्जर ने बीजेपी नेताओं का मजाक उड़ाया। कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के शांत उद्योगपति हैं, शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं। कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के शांत उद्योगपति हैं, शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं। बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या गरीब के परिवार में पैदा होना कोई गुनाह है? एक आम आदमी के बीच से गया व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए, यही तो पीड़ा कांग्रेस की है। वो पूरी ताकत जो कॉरपोरेट कल्चर के लोग हैं इसी पे लगा देते हैं।
जनता की पीड़ा वही समझ सकता है जो जनता के बीच से गया हो, जिसने गरीबी देखी हो। इस सोने का चम्मच पैदा लेके होने वाले लोग क्या जाने। चुनावों के बीच नेताओं के बयान आते रहते हैं, लेकिन कई बार बयानों के तीर आत्मघाती भी बन जाते हैं। मेरी वाइफ से मेरा जो विवाद चल रहा है उस विवाद के दौरान उन्होंने मुझे बहुत मारा, सारे मोहल्ले ने देखा, सारे मोहल्ले वालों को धमकी दे दी उन्होंने और कोई बीच में नहीं बोलता। पिटाई का ये वीडियो शिवपुरी की विवेकानंद कॉलोनी का है। तस्वीरों में दो लोग एक युवक को पीट रहे हैं। इस बीच सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल भी गिर जाती है। बाद में शोर सुनकर कुछ लोग आते हैं। युवक शिकायत करता दिख रहा है, जबकि महिला उसे बीच बीच में मार भी रही है। अब इस युवक की बात सुनिए। मेरी वाइफ से मेरा जो विवाद चल रहा है उस विवाद के दौरान उन्होंने मुझे बहुत मारा, सारे मोहल्ले ने देखा, सारे मोहल्ले वालों को धमकी दे दी उन्होंने और कोई बीच में नहीं बोलता। पूरे कैमरे तोड़ दिए घर के, मुझे चोट लगकर जगह 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 तकलीफ पहुंचाई, जान से मारने की धमकी दे दी। मुझे बचाइए प्लीज, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं अपने घर में बंद हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। युवक ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसके बाद पुलिस युवक को अपने साथ लेकर थाने आती है। युवक का नाम अतुल गौड़ है। अतुल ने अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने के साथ साथ पिटाई करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। तस्वीरें देखिए, लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। इनके हाथों में गैलन है, बाइक के अलावा साइकिल भी है। लोग गैलन लाद रहे हैं। दरअसल धार के तिरला गांव के पास खाद्य तेल लदा टैंकर पलट गया। फिर क्या था, लोगों ने लूट मचा दी। लोग बाइक से साइकिल से घटनास्थल तक पहुंचने लगे और टैंकर से तेल निकालने लगे। उधर पुलिस को जब खबर लगी तो मौके पर वो पहुंची और लोगों को भगाना शुरू किया, लेकिन तब तक लोगों ने टैंकर से कई गैलन तेल निकाल लिए। वही कुछ लोगों को निराशा ही हाथ लगी। इन लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर को मामूली चोट आई है। तस्वीरों में डांट लगाते संसदीय सचिव यूडी मिंज हैं। कुनकुरी से विधायक मिंज ने जशपुर के झारमुंडा गांव में एक दुकान के बाहर बड़ी संख्या में बिजली के बिल देखे। पूछा तो पता चला कि विभाग 2-3 महीने का बिल एक साथ दे जाता है। जानकारी पर विधायक ने चीफ इंजीनियर से बात की और बिजली बिल को देने की प्रक्रिया को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो बिजली बिल टंगा देखा मैंने, ग्रामीणों से पूछा, वहाँ पर उन्होंने शिकायत की कि सर बिजली बिल लगातार बहुत ज्यादा भी आ रहा है, अक्सर यहाँ पर टांग के चले जाता है, 2-3 महीने लोग मीटर रीडिंग भी नहीं करते हैं। इसकी शिकायतें हर जगह से देखने को मिली थी, देखने को आया था, तो हमने चीफ इंजीनियर को कुनकुरी में बुलवाया था और उसे हिदायत भी दी थी उसको कि इस टाइप पे नहीं होना चाहिए। बिजली विभाग की लापरवाही से परेशान ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब उनकी समस्या का हल निकल जाएगा। सिवनी के मोहगांव नागन में बड़ी संख्या में आदिवासियों ने जमीन पर कब्जे के लिए बांस बल्ली की झोपड़ी बना ली। हालांकि सूचना मिलने पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। वन विभाग ने मौके पर पटवारी को बुलाया और उस जमीन को अपना बताया। आदिवासी लोग यहां पे आए हुए हैं कि हमारी जमीन है, तो मेरे द्वारा पटवारी साहब को मौके पर लाकर उनको बताया गया, जांच किया, कहने लगे जमीन उनकी नहीं है। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हमारी भूमि नहीं है, जो बताएंगे वहां पर अपना कब्जा बताएं। दरअसल 2005 से पहले जिस जमीन पर आदिवासियों का कब्जा है, इस जमीन का पट्टा देने का सरकार ने फैसला लिया, लेकिन सिवनी में आदिवासियों ने जमीन पर कब्जे के लिए अस्थाई झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया। इन लोगों का कहना है कि अब तक इन्हें पट्टा नहीं मिला है। तस्वीरों में एक व्यक्ति चेहरा ढके भागता दिख रहा है। तस्वीरें बेमित्रा के जिला अस्पताल की हैं। देखिए, सड़क पर बैठे इस व्यक्ति पर मधुमक्खियों ने हमला किया। जिला अस्पताल में मधुमक्खियों का बसेरा है, जो आए दिन इलाज कराने आए लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। अब तक 34 लोग मधुमक्खियों के शिकार बने हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस परेशानी को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा। बताया जा रहा है कि अस्पताल के अंदर पड़े कचरे में मधुमक्खियों ने बसेरा बनाया हुआ है। कचरे को जलाने की वजह से मधुमक्खियां लोगों को शिकार बना रही हैं।
अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तस्वीरें आगर मालवा की है। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ एक कंटेनर ने दो बाइक को टक्कर मार दी, इसके बाद कंटेनर सड़क पर पलट गया। हादसे में कंटेनर के नीचे एक युवक दब गया। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई और लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। इस घटना में चार युवक जख्मी हुए हैं। जख्मी लोगों को बेहतर इलाज के लिए उज्जैन भेजा गया है। वहीं कंटेनर का स्टाफ हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। भिलाई में हॉरर किलिंग के एक मामले से हड़कंप मच गया। कृष्णा नगर इलाके में रिश्ते में चचेरे भाई बहन की परिवार वालों ने ही हत्या कर दी और शव को जला दिया। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में लड़की के भाई और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बच्चों के चाचा और जो मृतका है, जो गुमशुदा थी ऐश्वर्या, उसके भाई ने मिलकर इनकी हत्या करके शिवनाथ नदी के पास जेवरा सिरसा क्षेत्र में जाकर जला दिया। तो प्रारंभिक तथ्य आ रहे हैं कि जहर खाने की भी बात आ रही है, जहर खिलाने की भी बात आ रही है और गला दबाने की भी बात आ रही है, जो कि विवेचना के दौरान स्पष्ट हो पाएगा। जैसे साक्ष्य मिलेंगे वैसे वैधानिक कार्रवाई की। दरअसल हाल ही में दोनों चेन्नई भाग गए थे। पुलिस में शिकायत के बाद दोनों को ढूंढकर परिजनों के हवाले कर दिया गया, लेकिन 10 अक्टूबर की रात दोनों के घर में जमकर बवाल हुआ। इसके बाद लड़की के भाई और चाचा ने साजिश के तहत दोनों की हत्या कर दी और रातों रात उन्हें शिवनाथ नदी के किनारे ले जाकर टायरों के सहारे जला दिया। तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर। कोरबा में माउजर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे एक युवक को पुलिस ने खुद ग्राहक बनकर गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर के जरिए थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि पुरानी बस्ती वार्ड 4 के इंदिरा नगर मोहल्ले का रज्जाक खलीफा अपने पास माउजर रखे हुए है और उसे बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। पुलिस ने खुद ग्राहक बनकर माउजर का सौदा 35,000 रुपए में तय किया। इसके बाद रज्जाक खलीफा के पहुंचते ही उसे दबोच लिया गया। जो माउजर का बिहार लिंक मिला है, इसमें एक मुख्य सप्लायर फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा तो सारी कड़ी खुलेगी। इस मामले में बिहार से तार जुड़े होने की प्रारंभिक जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस जांच में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। धमतरी के मगरलोड थाना इलाके में जंगल में एक पुरानी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ये लाश इतनी पुरानी थी कि कंकाल में बदल चुकी थी। शव की शनाख्त हो गई है। पुलिस के मुताबिक शव पारधी गाँव के रहने वाले फूल सिंह कुमार का है। मगरलोड थाना के अंजोरा जंगल में नरकंकार मिला है, जिसके पंचनामा का कार्रवाई करके, चूँकि ये बहुत पुरानी लाश थी तो उसके पीएम के लिए हमने मेडिकल कॉलेज रायपुर को भेजा हुआ है।
शव के बारे में ये कहा जा रहा है कि हाथियों के दल ने फूल कुमार को कुचल दिया होगा। तस्वीरें हम साफ साफ नहीं दिखा सकते, यहाँ चारों तरफ खून ही खून है। देर रात कुछ लोग इस घर में घुस आए और खाना खा रहे पिता और बेटे पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इलाज के दौरान बेटे अभिषेक की मौत हो गई। गोवर्धन पैलेस में एक व्यक्ति अभिषेक का उम्र करीब 17-18 साल है, ये घर पर खाना खा रहा था। इसी दौरान में दो लोग अंदर आए हैं और इसके साथ डंडे और चाकू से हमला करके इसको घायल कर दिया। जिला अस्पताल में इसको इलाज के लिए भेजा गया, जहाँ से रेफर एम्बायज के लिए कर दिया गया। अभी सूचना मिली है कि उसकी मृत्यु हो गई है, इसमें प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। हमलावरों ने घर में घुसते समय बत्ती बंद कर दी थी। पुलिस हत्या की बुद्धी को जल्द सुलझा लेने का भरोसा दे रही है। कटनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जवान ने अपने सीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जवान सर्विस राइफल के साथ फरार था, ऐसे में जवान को फैक्ट्री में तलाशा जा रहा था। आर्मी के दल और स्थानीय पुलिस ने कोशिश के बाद छुपे जवान से संपर्क किया और उसे आत्मसमर्पण के लिए राजी कर लिया। सीओ थे हमारे श्री अशोक चिकारा जी, जिनका नाम श्री सकत सिंह था, उन्होंने गोली मार दी थी और उनकी वहीं पे स्पॉट डेथ हो गई थी। अभी वो उसी दिन से फरार चल रहे थे अपने गन के साथ। आज मॉर्निंग में करीब 9:50 AM के लगभग में उन्होंने गन के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है और उनसे अभी बातचीत चल रही है और जो भी कार्रवाई है पुलिस और आर्मी दोनों की, दोनों अपने कर रहे हैं। आरोपी जवान के सरेंडर करने पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रबंधन के अलावा जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। धूमधाम से निकली ये यात्रा सतनाम संदेश यात्रा है। सतनाम समाज के रुद्र गुरु ने पूरे प्रदेश में ये यात्रा निकाली है। अलग अलग चरणों में यह यात्रा निकाली जा रही है। मंत्री से सुनिए यात्रा का मकसद। तपा में और पूरे प्रदेश में इस यात्रा को निकाला गया है। सतनामी समाज की एकता और बाबा जी के बतलाए जो मार्ग है, जो उनका बताया जो सत का जो मार्ग है, मन के मन के एक समान, उनकी बातों को, उनकी वाणी को जनमानस तक पहुंचाना। गुरु घासीदास बाबा के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के अलावा सतनामी समाज की एकता के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। नेट पर प्रैक्टिस कर रही ये हैं नुजहत परवीन। सिंगरौली की नुजहत ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। T20 क्रिकेट टीम के लिए परवीन का सिलेक्शन इंडियन टीम में हुआ है। BCCI 4 नवंबर से 9 नवंबर तक UAE में ये प्रतियोगिता करवा रहा है। महिला भारतीय टीम की हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और मिताली राज की कप्तानी में 3 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम का हिस्सा परवीन होंगी। टीम में कई विदेशी महिला खिलाड़ी भी शामिल हो रही हैं। उम्मीद है नुजहत अपने प्रदर्शन से सबका न केवल ध्यान खींचेंगी बल्कि प्रदेश का मान भी बढ़ाएंगी। पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव की वजह से बड़ी संख्या में सेना LAC की ओर जा रही है। इस दौरान लेह में एक छोटे से बच्चे ने वहां से गुजर रहे सेना के जवानों को सैल्यूट कर उनका दिल जीत लिया। एक छोटे से बच्चे की सलामी पर सैनिक गदगद हो उठे और वो वहीं ठहर कर बच्चे को ये सिखाने लगे कि सावधान और विश्राम कैसे करते हैं। इस दौरान मौके पर मौजूद किसी शख्स ने ये वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर आते ये वीडियो वायरल हो गया और लोग इस बच्चे की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि भविष्य का सैनिक है ये बच्चा। इस वीडियो को ट्विटर पर एक IFS अधिकारी सुधा रामेन ने साझा करते हुए लिखा कि भावी भारत का एक नवोदित सैनिक लेह के एक गांव से आए इस बच्चे के वीडियो को देखने के बाद दिन बन गया।